करते हैं भाई, हम पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे वो मुल्क है ये जिसको 50 रुपए का गिलास को संभालने के लिए 500 की जंजीर लगानी पड़ती है, ये वो मुल्क है। मदद मर्दा मदद खुदा भाई जान, निकल पड़े हैं जी घर के लिए, वो मैंने उन्हें कट नहीं हुए। चाचा जी बोल रहे थे कि सुबह से कोई मजूरी नहीं लगी, मतलब सुबह से ये आपकी पहली मजूरी है ना? अच्छा चले यार, अल्लाह पाक, नहीं नहीं अल्लाह पाक जो है ना मेहनत जो करता है अल्लाह पाक उसके साथ होता है भाई। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू असी ब्लॉग्स, दिस इज असी फ्रॉम असी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जी ब्लॉग करते हैं शुरू, लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो जी आज सुबह सुबह ये देखें मौसम किस तरह का है, ठीक है, बहुत ही शदीद गर्मी है, तकरीबन 9 बजे का टाइम हुआ है लेकिन ज़मीन पर पैर नहीं रखा जा रहा, इतनी गर्म है कि बंदा बता नहीं सकता। अभी इसके ऊपर मैं एग रखूँगा तो वो भी उबाले खाने लग जाएगा। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है कमेंट लाजमी कीजिएगा, कि वहाँ पे गर्मी है, मौसम ठीक है, कितना है कितना नहीं है वो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ जी पानी भरने, पानी भर के आके आप समझ रहा हूँ। क्या हुआ, फिर कोई निकाल के चला गया क्या चाचा बोटा, फिर कोई नलका निकाल के लगे गया क्या? अच्छा जी बस, तो यहाँ पे देखें कि लोग कितने बेईमान हैं, यहाँ पे जो पोटरी वगैरह है तकरीबन 3-4 बार ये दोस्त ने मेरे ने लगवाया है, ठीक है, और आज फिर ये निकाल के चले गए। एक फीस अबिल्ला चीज़ लगी हुई यहाँ पे, लेकिन लोग इसको भी नहीं बर्दाश्त करते। ये बात सही है, ये देखिए आप, यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि जब भी यहाँ पे लगाते हैं दूसरे दिन गायब हो जाता है। अब यहाँ पे पूरा एरिया और बल्कि काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं, यहाँ का पानी बहुत मीठा है और ज़बरदस्त पानी है यहाँ का, ये इस जैसा पानी पूरे सिटी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ 3-4 नलके लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे तक लगे हुए हैं, लेकिन इस नलके का पानी जो है इतना मीठा और इतना ज़बरदस्त है, लेकिन लोग नहीं इसको भी माफ़ नहीं करते भाई। हम पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे वो मुल्क है ये जिसको 50 रुपए का गिलास को संभालने के लिए 500 की जंजीर लगानी पड़ती है, ये वो मुल्क है। बात तो सही है। यहाँ पे ये हाल है कि नलका गायब हो जाता है, ठीक है, अब देखेंगे पानी कहाँ से भरे, घर में 3-4 दिन से पानी नहीं है पीने के लिए, जाते हैं आगे कहीं से मिल जाता है पानी तो भर के जाते ही नहीं जाते। फिलहाल बच्चे इंजॉय कर रहे हैं मौसम को बोल रहा हूँ, गर्मी को इंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, और ये देखें आप किस तरह यहाँ पर नहा रहे हैं। और अब मुझे भी तैरना आता ना यार, सारा दिन मैं इसमें बैठा होता, क्योंकि मेरा घर पास ही है, मेरा घर दूर नहीं है। और वो देखें आप किस तरह वो लटक रहा है उस पर, ये देखें आप, ये देखें, ये भी अच्छा है भाई, इस तरह ही कर लूँ लेकिन मुझे अपना वेट नहीं संभाला जाएगा मुझसे। अब इन पेड़ों की छाँव में यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा है कि दिल करता है सारा दिन बंदा मर्जी यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आके बैठ जाए। और कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, यहाँ पे चारपाई बिछी हो और यहाँ पे हम बैठे हों, मुस्तकबिल का सोच रहे हों। फाइनली जी नलके के पास हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, और बच्चा शरारत कर रहा है नलके के साथ ही, देखे तो भरते हैं यहाँ से पानी, पानी भर के फिर जाते हैं जी घर। चलो बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। भाई जान पहले घर के सामने नलका था, पानी भरने में आसानी लगती थी, अब यहाँ से लेके जा रहे हैं घर तो और मुश्किल हो रहा है। भाई जान थोड़ा सांस लेने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, सांस लेके फिर आगे चलते हैं। वहाँ से मैं चल के आया हूँ आगे से, ठीक है, वो सामने गाड़ी के पीछे से, ठीक है, और यहाँ तक अखीर हो गई है भाई, अब यहाँ पर थोड़ी सांस लेते हैं उसके बाद जाते हैं जी घर। धूप काफ़ी ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रही, यकीन जाने थोड़ा मैं धूप में जाऊँगा तो जान निकल रही है धूप में, ऐसी कड़ी धूप है भाई जान। मदद मर्दा मदद खुदा भाई जान, निकल पड़े हैं जी घर के लिए, वो मैंने उन्हें कट नहीं हुए। फाइनली घर पहुँच चुके हैं।
A few inches later. अच्छा जी बस तो ये भाई साहब को मैं लेके आया हूँ और इनसे मंजी हम बनवा रहे हैं, ठीक है। आया था मैं बिरयानी का सामान वगैरह लेके, तो रास्ते में मुझे मिले थे इन्होंने जाके, मैंने इनको बोला कि जी मंजी एक है, दो तो हम लेके आए लेकिन एक मंजी जो है वो बनवाने वाली भी हुई है। बंदा कितना भी उस्ताद हो ना, लेकिन जो काम ये जानते हैं वो हम नहीं कर सकते। बात तो सही है। पानी ऐसा घूमा पानी, ये चाचा ये पानी अभी आपको देते हैं, पानी ऐसा पानी गिलास ना डुड़वा नहीं करे गिलास। अच्छा जी पानी वगैरह भी दे दिया है। हाँ हाँ तो बिरयानी आप पहले बनाना स्टार्ट करो, वो मंजी बनाने बनाते रहेंगे, मंजी आप बिरयानी बना लो तब तक। अच्छा चावल अभी पकाए भी नहीं है। अच्छा जी बस चावल अभी भिगोएंगे, चावल भिगोने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटे बाद ये होगा। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि इनके पास दो कलर के वाहन है, एक है ये कलर का येलो कलर का, ठीक है, एक है ब्राउन कलर का। मुझे ये कलर अच्छा लगा लेकिन वाइफ ने बोला कि ये कलर आपका जो है मेला हो जाएगा, ये कलर सही है, तो आप बताएं मुझे। तो ये अच्छा लग रहा है अभी भी यार, येलो सही है। नहीं नहीं येलो प्यारा लग रहा है यार, येलो सही है, येलो सही है ना, मैं चादर इस पर बिछा के बना बिछाएगा। ब्राउन सही है। नहीं ब्राउन में ब्राउन लुक ही कोई नहीं है यार, येलो 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 सही है। अब वो जो जर्दो कलर है वो सही है, वो सोनो कलर है, जो येलो कलर है वो प्यारा कलर है, डिसेंट कलर है, वो हम लगवा रहे हैं, ठीक है। के साथ मुझे ये याद आया है कि वालदा ने भी मुझे बोला था कि जब भी कोई मंजी बनाने वाला है तो मैंने भी बनवानी है, तो वालदा को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर आपने मंजी बनवानी है तो हमारी तो वैसे ही बन रही है, तो ये हो जाए तो आपके पास भी ले आऊँ मैं, तो फ़ोन करते हैं उनको, देखते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा जी ये यहाँ तक तो हो गई है और मेरे ख्याल में कोई 2 से 3 मिनट लगे हैं माशाल्लाह इतनी स्पीड से, तो हमारे के तो तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे ना यहाँ तक भी पहुँचते हुए, 2-3 घंटे लग गए थे। हमारा मन ज़्यादा था, एक कम मन है। नहीं तो अभी ऐसे भी करेंगे ना भाई, वो अच्छे तरीके से मैंने बोला है। चाचा जी इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो सारा आपने बनाना है, ठीक है ना। हाँ फला बेटा इधर आओ, नीचे नहीं जाना, धूप देखिए कितनी पड़ी, इधर आओ अंदर आओ अंदर आओ, कल इसको भी बुखार हो गया था धूप में, आ जाओ अंदर आओ अंदर आओ। ये किसे लिया है? ये मना ही टे 4 साल आराम से निकली है ना, वो चाहिए वो ऐसे चाचा जी बोल रहे थे कि सुबह से कोई मजदूरी नहीं लगी, मतलब सुबह से ये आपकी पहली मजदूरी है ना? अच्छा चले यार अल्लाह पाक, नहीं नहीं अल्लाह पाक जो है ना मेहनत जो करता है अल्लाह पाक उसके साथ होता है भाई। बात तो सही है। चाय जी चाय पियोगे आप? चाय बना, ठीक है। हाँ चाय जी के लिए चाय मेरे लिए बना दो और चाचा के लिए भी चाय बना दो। भाई साहब चार भाई तो सारी बन गई लेकिन अभी इसको टाइट करेंगे, ठीक है, वो अपने तरीके से टाइट करेंगे, हमें नहीं पता, मेन चीज ये होती है इसको टाइट करना, तो बाकी तो हमें भी आ जाता है लेकिन मेन चीज जो है ना ये इसकी टाइट करना होती है। अच्छा जी बस तो ये देखें उस तरफ से ये कि यहाँ से टाइट करेंगे, ठीक है, ये देखें आप, अब फिर ये बांध वहाँ पे लेके जाएंगे खींच के, फिर वहाँ से टाइट करेंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ से टाइट करेंगे, तो ये चीज़ होती है सारी। ये देखें वहाँ से करेंगे टाइट, आ गया, देना दूध देना, ये लो दूध और बिस्किट भी लेके आए, ये बना लो आप आखिरी मराइल में, ठीक है, ये बन चुकी है, तो अब इस मंजी पे कौन सोएगा? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना सोऊं क्योंकि इसका बांध थोड़ा है ना, मेरे बच्चे सो जाएंगे।
तो वो तू कौन सी हल्की है, कहती है बोलती है मैं या मैं बच्चे सो जाएंगे, मैं और बच्चे सो जाएंगे, तू कौन सी हल्की, मैं ही सोऊंगा रहने दे तू, मैं ही सोऊंगा। लेकिन इस पे ये है कि आप ना इस पे नहीं नहीं इस पे ये है कि आप कोई चादर बिछा के रखना कि मेला ना हो बाल, ठीक है ना, चारपाई मेली नहीं होगी। चाय जी बनाने के लिए रख दी गई है, ठीक है, चाय जैसे ही बन जाती है हम भी पीते हैं और चाचा जी को भी चाय पिलाते हैं। अच्छा जी, फाइनली चारपाई हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे गैप आता है, लेकिन भाई साहब ने यहाँ भी इसको गैप नहीं दिया, यहाँ भी इसको बांध चढ़ा दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन हुई है, ठीक है। अब अल्लाह करे ये निकाल ले 2-3 साल, वैसे तो इंसान की ज़िंदगी पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये है कि निकल जाए, चलो अल्लाह वक्त बेहतर करेगा। अच्छा जी, वो बोलते हैं ना कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले आप अदा कर दिए, तो भाई साहब ये आपकी मजदूरी, ठीक है, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अभी आप चाय आपके लिए बन रही है, चाय आप पी के फिर जाना आप। भाई साहब पहले ऊपर बैठ जाएं। भाई साहब जी चाचा चाय बिस्किट ना दिवस, तो हाई साहब जा रहे हैं अभी, ठीक है। हाई साहब काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके, जज़ाकल्लाह, आप चलें, आपको मैं छोड़ के आता हूँ। आज काफ़ी नाइस पर्सन थे भाई, मंजी भी अच्छी बनाई इन्होंने और जब शब भी अच्छी हुई हमारी, तो बाकी चलते हैं, हाई साहब को नीचे छोड़ते हैं और फिर ऊपर आते हैं, अपनी बकाया जो चाय बची उसको पीते हैं। मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फाइनली चारपाई हमारी बन चुकी है और अभी हमारे पास 3 दिन चारपाइयाँ हो गई। भाई साहब फर्नीचर वगैरह लेना था, लेकिन अभी मसला ये है कि अभी रेंट की जगह पे और अगले नेक्स्ट मंथ हमें अपनी जगह लेनी है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें मुनासिब नहीं है। जब अपनी जगह लेंगे तो फर्नीचर वगैरह ले लेंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है, तो बिरयानी बनने में भी टाइम है क्योंकि चावल अभी तक भिगोए हुए हैं, तो तब तक मैंने कहा जब तक ये बिरयानी बनती है तब तक मैं कबाब सी कबाब बना के खा लेता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले नगेट्स खाए, नगेट से पेट नहीं भरा, तो अब ये पकाने लगा हूँ। A few inches later, जी अपा, पापा जी हाथ मारता हूँ। अच्छा जी बेटा, जी अपा, जी पा, जी पा, पा। अच्छा जी, बस फाइनली 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 बिरयानी रेडी हो चुकी है, दम पे लगी हुई थी, और अभी मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ कि किस तरह की बिरयानी बनी है। ये देखें जी हमारी बम्बई बिरयानी। अरे ये तो बम्बई बिरयानी मसाला था ना, तूने सादी बिरयानी बनाई है क्या? अच्छी है, गजब बेइज्जती है। अच्छा जी दोस्तों, व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ड्रेस रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।